गाइज, हम कभी कभी इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि तुम तो पैसे लटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आज तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है, वो तो नहाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है नाम ही नहीं ले रहे हो, नाम ही नहीं ले रहे हो। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉट रेडी टू, नॉट रेडी टू। चलिए इसके यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है नॉट रेडी टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू स्टे क्वाइट, यू आर नॉट रेडी टू स्टे क्वाइट। तुम तो पैसा लटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, यू आर नॉट रेडी टू रिटर्न मनी। जॉन तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, जॉन इज नॉट रेडी टू स्लीप, जॉन इज नॉट रेडी टू स्लीप। आज तो लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही है, द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक टूडे, द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक टूडे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप, रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। वो तो नहाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ही इज नॉट रेडी टू टेक अ बाथ, ही इज नॉट रेडी टू टेक अ बाथ। गोलू तो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, गोलू इज नॉट रेडी टू स्टडी, गोलू इज नॉट रेडी टू स्टडी।